खूबसूरत हिरन है। हिरन है? मैं क्या बताऊं, कोई पूछे तो बताऊं। हिरन, हिरन है। ओ देखिए, आया। अरे आज हमारी हद में कौन आ गया? बहन बहन जरा सुनना तो, बहन देखो तो हमारी हद में कौन आ गया। इस जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया। अरे तुम्हारे जैसे जादूगरनी ये कह रही है, क्या हो गया तुम्हें? यही तो है, आ गया। अब मैं इसके बाहर जिंदा नहीं रह सकती। सरकार सरकार देखिए वो हिरन, मेरा ज्योतिष कहता है अगर आप इसे मारे, अगर आप इसे मारे। मैं क्यों बताऊं? अरे कोई पूछे तो बताओ। सरकार पूछिए, सरकार 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 थाने, सरकार सरकार सरकार। हमारा क्या रिश्ता? क्यों, क्या दिल का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता? अच्छा जी, इतनी जल्दी दिल भी दे दिया? दिल का सौदा होते देर नहीं लगती। तुम आग से खेलने जा रही हो। बहुत होगा, जल जाऊंगी, यही ना? करीब आ गए।
तेरे सामने निगाहें लगा गई, दिल में जो आरज़ूए थे होठों पे आ गई, होठों पे आ गई। उम्र मिटे जो आपने देखा गुरूर से, डर है कि हो ना जाए मोहब्बत दूर से। दिल के करीब आ गए देखा जो दूर से, डर है कि हो ना जाए मोहब्बत दूर से। दिल के करीब आ गए मोहिनी सूरत है। अरे कनकनी, कनकनी देखो तो कोई चोर हमारे बाग में घुसा रहा है। कनकनी प्रिय, तो हम कोई चोर नहीं, हम तो यहां के महाराज हैं। महाराज? महाराज हैं? सुंदरी, सुंदरी आपको मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? तो क्या सचमुच तुम्हारा नाम सुंदरी है? हमने जो कुछ देखा वो कह दिया, वाकई तुम सुंदरी हो। हम तो यहां अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे, मगर वो और भी बढ़ गई। पानी ला दो महाराज। अब पानी से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हद्दे, हो गया गड़बड़ घोटाला, मगर मैं क्यों बताऊं? कोई पूछे तो बताऊं? मैं पूछती हूँ, अब बताओ तुम यहाँ छुपकर क्या देख रहे थे? अजीब देख भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। क्या? यही कि हमारे महाराज का तो तख्ता उलट गया, कहीं मेरी बारी ना आ जाए। अब तो तुम्हारी बारी भी आ चुकी। अच्छा, अरे क्या मैं भी कर दिया जाऊंगा घायल? मुझ पर भी चलेंगे नैन बहन? सुनो जी, मैं नैन बहन नहीं चलाती। तो हाथ चलाती हूँ। हाथ चलाती हो? चलाओ चलाओ चलाओ, मजा आ गया, मजा आ गया, बताता हूँ। जरा सुनिए तो, क्या मैं आपके बाप का? क्या? नहीं नहीं, आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम? जी, मुझे कंकनी कहते हैं। ओह कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है, डंकनी। अरे नहीं नहीं,
नहीं डंकनी नहीं। हाँ जी कंकनी। डंकनी नहीं नहीं। हाँ जी कंकनी। कंकनी फिर से कहो। कंकनी डंकनी 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 कंकनी कंकनी कंकनी। नहीं नहीं महाराज, आपका और मेरा मिलाप नहीं हो सकता। ऐसा न कहो सुंदरी। आप ठहरे महाराज, इतना बड़ा राजपाट धन दौलत और फिर महारानी। जाने क्यों महाराज के बगैर एक एक दिन एक एक साल के बराबर कटता है। ठहरिए महाराज, पहले वचन दीजिए कि मेरी बात कभी टाली नहीं जाएगी। हम वचन देते हैं। कसम खाइए कि आप मुझे कभी अकेली नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही होगा। तुम कितनी भोली हो, वचन टूट सकते हैं, कसमें झूठी हो सकती हैं, मगर ये चाह जो हमारे दिलों में पैदा हो चुकी है वो कभी नहीं मिट सकती। महाराज महाराज शिकार से लौट आए हैं, बस वो आने ही वाले हैं। वो आ रहे हैं। सुनूंगी हाय वो कदमों की आहटें, ओ
मुस्कुराहटें आंखों में झूम झूम के लहरा रहे हैं वो, ऐ दिल मचल मचल के मेरे आ रहे हैं वो, मेरे आ रहे हैं वो, छुप छुप के दिल की धड़कनों में गा रहे हैं वो, ऐ दिल मचल मचल के मेरे आ रहे हैं वो, मेरे आ रहे हैं वो, छुप छुप के दिल की धड़कनों में। महारानी जी, महारानी जी, क्या बात है चंदा? सुना है महाराज को शिकार में एक लड़की मिली है। पगली कहेगी, शिकार में कहीं लड़की भी मिल सकती है? हाँ महारानी जी, सुना है महाराज ने उस लड़की से गंजर भी किया है और उसके साथ ना रहे। क्या कहती हो? शहनाई की आवाज तो क्या महाराज ने विवाह? नहीं नहीं, ये अपने क्या महाराज? महारानी। महाराज, बधाई हो महाराज, आओ बहन। मगर महाराज तो अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं जब देखो सुंदरी के महल में। महामंत्री जी, अगर यही हालत रही तो राजपाट का क्या होगा, प्रजा क्या कहेगी? आपने महाराज को देखा है, महाराज के दिल को नहीं। सारी दुनिया बदल सकती है मगर वो नहीं बदल सकते, मुझे पूरा विश्वास है। अरे उनकी बात मत कर कंकनी, मैं सब कुछ जानता हूँ और समझता हूँ, मगर कोई पूछे तो बताऊँ? कोई पूछे तो बताऊं के बच्चे, तो तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? करूंगा, शादी करूंगा, करूंगा करूंगा। अच्छा चलो झूला झूला। अच्छा जी, गोविंद ये सब क्या हो रहा है? ठीक से झूला झूला। अच्छा जी, चलो जल्दी। महान कुंडली, कितना बेहतरीन राजयोग है। इस कार्तिक की पूर्णिमा को आपके घर पुत्र का जन्म होने वाला है। पुत्र का जन्म होगा कार्तिक पूर्णिमा को? यानी 6 महीने के बाद? हाँ महाराज, बेटा बड़ा ही भाग्यशाली होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चक्रवर्ती बनेगा। परंतु ये कैसे हो सकता है राजूतिशी?
सूरज निकलना बंद हो सकता है महाराज, मगर मेरा ज्योतिष कभी झूठा नहीं हो सकता। ये तो ठीक है, मगर छोटी रानी को यहाँ आए हुए अभी तक 2 महीने भी नहीं हुए और महारानी के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं सुना, कुछ समझ में नहीं आता। महारानी जी, महारानी जी, महाराज आ रहे थे। महारानी, हम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हैं, अगर हम ना आ सके तो हमारी महारानी ने भी हमें याद नहीं किया। मेरी छोटी बहन तो अच्छी है ना? वो तो बड़ी भोली है बेचारी, पर फिर भी हमें जुदा नहीं होने देती, घबरा जाती है अकेली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नई नई आई है ना, बहुत चाहती है आपको। हमारी महारानी नहीं चाहती है ना? ये तो महाराज ही जानते होंगे। अच्छी तरह जानते हैं महारानी, मगर हम एक बात पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज। क्या हमारे घर, क्या सच? हाँ महारानी, मगर अभी तक तुमने क्यों नहीं बताया हमें? क्या करती महाराज, ऐसा मौका ही नहीं आया। चंदा, महामंत्री को बुलाओ। महारानी, अभी अभी मेरे राजज्योतिषी ने बताया कि हमारा होने वाला पुत्र चक्रवर्ती होगा। महाराज, महामंत्री, राजज्योतिषी ने सच ही कहा है, हमारे घर में पुत्र होने वाला। बधाई हो महाराज, भगवान ने हमारी झोली भर दी है। महामंत्री, सारे राज में खुशियां मनाई जाए, ब्राह्मणों को बुलाया जाए, यज्ञ करवा दिया जाए, सब कुछ ही खोल कर दान दिया जाए। जो आ गया महाराज। क्या बात है कनकनी, तुम क्यों परेशान नजर आती हो? महारानी की गोद हरी भरी होने वाली है। क्या? और राजजोशी ने कहा है कि उनकी चक्रवर्ती बेटा होगा। क्या तुम सच कहती हो? हाँ रानी जी। इसीलिए सारे नगर में खुशियां मनाई जा रही है और महाराज फूले नहीं समा रहे। अब क्या होगा? अब तो सारे पासे ही उल्टे पड़ गए, बाहर आने से पहले ही बच्चा शुरू हो गई। बच्चा होने की देर है, महारानी तुम्हें रास्ते के पत्थर की तरह ठुकरा कर फेंक देगी। तुमने अभी पहाड़ों का टकराना नहीं देखा, ऐसा जलजला आएगा कि महाराज के होश उड़ जाएंगे और अगर महारानी मेरे मुकाबले पर आई तो पीस के रह जाएगी। रानी जी, महाराज ने मुझे वचन दिए, वादे किए, कसमें खाई है, अगर उनके बर्ताव में जरा भी फर्क आया तो उन्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। रानी जी, महाराज ने और उनका प्यार देखा है, उसके चरित्र नहीं देखे। जा जाकर मिठाइयां ले आओ। मिठाई? हाँ, जैसा मैं कहती हूँ ऐसी करो, शायद महाराज आते ही होंगे। रानी जी, महाराज आ रहे हैं। सुंदरी। महाराज, कुछ कहने से पहले मुंह मीठा कर लीजिए। अभी अभी बड़ी बहन के बारे में सुना, खुशियां मेरे आंगन में ना छूटे। भगवान करे वो शुभ घड़ी जल्द आ जाए। सुंदरी, आज तुमने हमारी खुशी में बराबर का हिस्सा लेकर जाहिर कर दिया कि जितना तुम हमें चाहती हो उतना ही तुम हमारे चाहने वालों को भी चाहती हो। मैं समझता था कि महारानी और तुम और महारानी। महाराज, हम दोनों तो बहने हैं। वाकई तुम देवी हो सुंदरी। महाराज, अब तो बाजी रंग पर आ गई। महाराज कहिए, अब क्या ख्याल है? रंग बदलते देर नहीं लगती सुंदरी, एक चाल से बाजी पलट जाती है। अब बच्चे महाराज, बच्चे
भाई हम तो बुरी तरह फंस गए हैं तुम्हारी चाल में। अभी कहा महाराज, दो चार चालों के बाद शायद फंस जाए। ये लो मिल गया बचाव का घर। महाराज क्या बात है चंदा? आपको महारानी ने बुलाया है। लीजिए महाराज ये शह। ये लो बच गए। मात का घर अभी बहुत दूर है सुंदरी। अच्छा हम अभी आते हैं। रानी जी मात का घर बहुत दूर है। ठीक है महाराज को महारानी का ख्याल रखना ही चाहिए। वो बनने वाली है माँ, उनसे महाराज का चलेगा वंश। तुम्हारा क्या है, चार दिन चवानी के हैं, काट लो फिर महाराज के दर्शनों को तरसोगी। कनकनी सच्ची बात जरा कड़वी लगती है। दिल पर हाथ रख के सोचो महाराज कितने बदल गए हैं। तुम यहाँ अकेली बैठी चलो और महारानी के घर तो रोज दिवाली है, ये कहाँ का इंसाफ है। तुम ठीक कहती हो कनकनी। पानी सर से गुजरा जा रहा है, अब तो कुछ कर नहीं होगा। तुम कुछ करो या ना करो महारानी के हथकंडे दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। आज महारानी ने व्रत रखा है और महाराज की पूजा की वो तैयारी की है कि पूछो मत। महाराज की पूजा? देखती हूँ कैसे होती है महाराज की पूजा और कैसे जाते हैं महाराज वहां। चंद्रा महाराज अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे महारानी जी। चंदा महाराज से जाकर कहो पूजा नहीं बीता जा रहा है। अच्छा महारानी जी। सुंदरी तुम खुश तो हो ना हमारे साथ? हाँ महाराज बहुत खुश हूँ। महाराज महारानी जी आपको बुला रही है। सुंदरी महारानी हमें बुला रही है, हम जाएं? जैसे आपकी मर्जी। महाराज महारानी जी आपको बुला रही हैं। सुंदरी तुम्हें बताओ ना हम क्या करें? हम क्या जाने। महाराज महारानी जी आपका इंतजार कर रही हैं। सुंदरी हम अभी आ जाएंगे। जानती हूँ। महाराज महाराज पूजा का हो गया, महाराज पूजा का समय बीता जा रहा है। महाराज महारानी जी आपको बुला रही हैं। महारानी जी आपका इंतजार कर रही है। डाला है जब से प्यार का कचरा धाने
बाहों के हार सांवरिया तेरे लिए है संकट से झांके बाहर सांवरिया तेरे लिए है दिलों में झूमे प्यार करे इंतजार सांवरिया तेरे लिए है संकट से झांके बाहर सांवरिया तेरे लिए है दिलों में झूमे है प्यार सांवरिया तेरे लिए है दिलों में झूमे प्यार महाराज महारानी हम तो आने ही वाले थे तो क्या हुआ मैं यहाँ चली आई सोचा छोटी बहन भी पूजा में शामिल होगी पूजा तो मैं सिर्फ भगवान की ही करती हूँ लेकिन पति भी तो भगवान का ही रूप है लो बहन आरती उतारो जल्दी करो बहन पूजा का समय जा रहा है ये लो लो ये तुमने क्या किया आरती तुम उतारो पूजा तुम करो मैं तो महाराज की पूजा मन मंदिर में करती हूँ तुमने सुहाग को ठुकराया है तुमने पति का अपमान किया है बड़ी आई महाराज की महारानी हाँ मैं महारानी हूँ इनके और तुम भी रानी हो इनकी वजह से ये हमारे जीवन की जोत है बिन पति के स्त्री एक कागज का फूल है तुमने पति की महानता को अभी तक नहीं समझा बहन मैं सब समझती हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब ढोंग रचाकर महाराज के दिल पर पति भक्ति का रंग चढ़ाना चाहती हो मैं इन पे क्या रंग चढ़ाऊंगी इनके चरणों पर प्रेम भाव से दो फूल चढ़ाना मैं अपना भाग्य समझती हूँ मगर मैं ये नाटक नहीं मानती तुम मानो या न मानो लेकिन पतिव्रता स्त्री के सामने भगवान को भी सर झुकाना पड़ा था पति सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए तीनों लोक में तहलका मचा दिया था आखिर यमराज को भी हार माननी पड़ी वनवास राम को हुआ था सीता को नहीं फिर भी सीता ने राम के लिए महलों को ठुकरा दिया पूजा के लिए नहीं हूँ मुझे नसीहत करने आई है अगर यही विचार है आपके आपको यहां नहीं आना चाहिए था आप जा सकती हैं महाराज तुम महारानी का अपमान कर रही हो हम ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जिसे हमने अपनी आंखों पर बिठा लिया जिसे अपनाने के लिए महारानी ने अपनी बाहें फैला दी वह आज इस तरह हमारी गर्दन झुका देगी शांत हो जाइए महाराज चुप रहो महारानी अगर आज तुम्हारा अपमान हो सकता है तो कल हमारी भी यही हालत हो सकती है नहीं नहीं महाराज मेरा ये मतलब नहीं था तुम्हारा कुछ भी मतलब हो पर हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी महारानी कोई इस तरह मदद करे हमारी महारानी की मुस्कान छीन कर हम तुम्हें कभी खुश नहीं करते महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी जी आप वहां गई ही क्यों थी पत्थर अपनी जगह पर भारी होता है आपको वहां नहीं जाना चाहिए महामंत्री जी कभी साये ने भी साथ छोड़ा है नहीं तो फिर बस जहां महाराज हो वहां मैं जा सकती हूं लेकिन महारानी जी अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है परंतु ये नभूलिए मंत्री जी अंधेरे के बाद ही उजाला आता है फिर भी आज की बात कोई मामूली
अगर महाराज अपनी जिंदगी के रास्ते से भटक गए हैं तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें ठीक रास्ते पर लाएं। आपका भी तो फर्ज है महामंत्री जी, ये काम आपको करना चाहिए। काश कि मैं महाराज से कुछ कह सकता। महाराज को रोकने का नतीजा देख लिया, अब आंखें खुली रानी जी की। महारानी ने तुम्हें तुम्हारे ही घर में आकर मार दी। दंडिनी, तुम सोचती ही रहोगी और महारानी महाराज को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन देगी। महारानी ने मुझसे टक्कर ली है, मेरी दुनिया में आग लगाई है। अगर मैंने महारानी की लगाई हुई आग में महारानी को ही न जलाया तो मेरा नाम भी सुंदरी नहीं। देखती जा मैं क्या कर। आधी रात को कैसे आना हुआ? महाराज से मिलना है। महाराज से मिलना है, ऐसी क्या खास बात है? शाही अस्तबल से अभी अभी खबर आई है कि 6 घोड़े मार दिए गए। ओह, 6 घोड़े मार दिए गए, तो इसमें महाराज क्या करेंगे? आप महामंत्री हैं, जाइए पता लगाइए। महाराज सो रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ देवी। कौन था सुंदरी? महामंत्री थे महाराज। महामंत्री? क्यों, किस लिए? यूं ही छोटी छोटी बातों के लिए आपको परेशान करने आ जाते हैं। अच्छा, अब आप सो जाए। तुम भी सो जाओ। महामंत्री, ये सब क्या हो रहा है? अब तो जानवरों से इंसानों पर नौबत आ गई महाराज। बहुत से नन्हे मुन्ने बच्चे मार दिए गए, बहुत से नौजवान सिपाही मौत की गोद में सुला दिए गए। अच्छा, कौन है जो हमारे महल में खून की होली खेल रहा है? लोगों का कहना है महाराज कि रात के अंधेरे में एक औरत को इधर उधर घूमते हुए देखा है। औरत कौन हो सकती है? वो कुछ समझ में नहीं आता। महामंत्री, वो कोई भी हो उसे गिरफ्तार करो, हम उसे जिंदा या मुर्दा देखना चाहते हैं। जो हुक्म महाराज। हमने सब कुछ सुना महामंत्री जी, हमें बड़ा दुख हुआ कि अभी तक कुछ पता न चल सका। महारानी जी, ये तो कोई जादू मालूम होता है। दरवाजे नहीं टूटते, छत नहीं फटती, ना मालूम कोई कैसे अंदर जाता है और जानवरों को मार डालता है। कल सुबह राज जोशी को हमारे पास भेजिए और बड़े बड़े पंडितों को बुलवाइए, हम यज्ञ कराना चाहते हैं। कल सुबह महाराज
ने राज ज्योतिष को बुलवाया है और यज्ञ कराने वाली हैं। ये ज्योतिष और पंडित बड़े पहुंचे हुए जादूगर होते हैं। अगर किसी ने हमारा नाम ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कल किसने देखा है पगली, जिसके बीच रात उसकी क्या बात, आज क्या होने वाला है वो देख। रहना चाहिए। हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ, किसी घर हुआ। कुछ कहिए भी तो महाराज। अब कहने के लिए क्या बाकी रह गया है, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है आपने? जो कुछ हमने देखा है वो आज हम तुम्हें भी दिखाना चाहते हैं। देखो महारानी, खून से रंगे हुए अपने हाथ देखो, खून के इन धब्बों को देखो, तुम्हारे गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, धब्बे लगाए गए हैं, ये किसी की जाल है। मैं निर्दोष, मैं क्यों किसी का खून करूंगी? यही तो हम तुमसे पूछने आए हैं। तो क्या आपको मुझ पर कुछ शुबा है? शुबा नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। जब आपने अपनी आंखों से देखा है, आप ही गवाह है, आप ही के हाथ इंसाफ है, तो फिर मैं क्या कह सकती।
हम चाहते हैं कि तुम हमें मानो और हमें बताओ ये सब हंगामा तुमने क्यों किया। आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा तो मैं क्या बताऊं। एक उम्मीद का दिया था जिसकी रोशनी के सहारे मैं अपने दिन गुजार रही थी वही बुझ गया तो अब मैं क्या करूं। अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो महारानी। मैं तो उन पर्दों को उठाने की कोशिश कर रही हूं जो आपकी आंखों के सामने पड़े हैं। महारानी मुझ पर जो गुजरी है वो मैं ही जानती हूं मगर मैंने तो आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की। इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में पाप था। नहीं इसलिए कि आप पर कोई उंगली ना उठाए हमारे घर की कोई कहानी ना बनाए इसलिए मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया था मगर आज आज आपने सबके सामने मेरे माथे पे कलंक का टीका लगा दिया है। महारानी अब देर क्यों कर रहे हैं महाराज कई तमाशा देखने के लिए बेचैन है आप मुझे गुनहगार साबित कर चुके हैं। निकालिए अपनी तलवार और उतार दीजिए मेरी गर्दन ताकि तुझे वाले मुझे खूनी कहे। खूनी खूनी तो मैं हूं आपकी नजरों से क्या गिरी कि सबकी नजरें बदल गई जैसे भरी सभा में द्रौपदी की लाश लूट रही थी और सब खामोश थे इसी तरह आज मुझ निर्दोष पे दोष लगाया जा रहा और सब खामोश है। महाराज ये अन्याय है जरा सोचिए फिर फैसला कीजिए। महामंत्री जी महारानी और महाराज के बीच में बोलने का किसी को क्या अधिकार है। महारानी आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। बस महाराज अब तो यही चाहती हूँ कि आपके हाथ दबने के इससे बड़ा सौभाग्य एक पतिव्रता स्त्री के लिए और क्या हो सकता है। ये काम जल्लादों का है हमारा नहीं। तुम्हारे जैसे पाप स्त्री के खून में हम अपनी तलवार रंगना नहीं चाहते। रंग लीजिए महाराज अपनी तलवार रंग लीजिए ताकि मेरे सुहाग की चुनरी का रंग अमर हो जाए। महामंत्री महारानी को जल्लादों के हवाले किया जाए और उनकी आंखें निकलवाकर हमारे सामने पेश की जाए। महाराज महारानी को इतनी कड़ी सजा न दीजिए। तुम चुप रहो सुंदरी। महाराज महारानी जी को सफाई पेश करने का मौका जरूर दीजिए। महाराज हमें राय की जरूरत नहीं महामंत्री हम हुक्म दे चुके हैं। महाराज मुझे आखिरी बार आपके चरण छू लेने दीजिए। भगवान आपको सुखी रखे। काफी दूर आ गए चलो अपना काम करिए। हाँ तुम लोग अपना काम करो भगवान महाराज को सुखी रखना। ठहरो क्या बात है इधर आओ। महाराज ने महारानी को कत्ल करने का हुक्म किया उनके पेट में बच्चा है उसका क्या होगा सोचो। हाँ उनकी आंखें निकाल लो सबूत के लिए। ठीक है आप लोग क्या सोच रहे हैं भाई जल्दी करो। हमने सोच लिया महारानी जी। तो फिर अपना काम करो। क्या क्या न सितम तुझ पे हुए महलों की रानी क्या क्या न सितम तुझ पे हुए क्या क्या न सितम तुझ पे हुए महलों की रानी किस्मत ने लिखी आंसुओं से तेरी कहानी ओ महलों की रानी क्या क्या न सितम तुझ पे हुए
इतनी बड़ी दुनिया में भी कोई नहीं तेरा। इतनी बड़ी दुनिया में भी कोई नहीं तेरा। या ठोकर किस्मत की है या गम का अंधेरा, हाय गम का अंधेरा। इस दुनिया ने अब तेरे मिटाने की है ठानी, किस्मत ने लिखी आंसुओं से तेरी कहानी। ओ महलों की रानी, क्या क्या न सितम तुझ पे हुए। आंसू तेरे हंसती हुई कलियों को रुला दे, ओ आंसू तेरे हंसती हुई कलियों को रुला दे। आहें तेरी आकाश के पर्दों को हिला दे, पर्दों को हिला दे। नादान था वो जिसने तेरी एक न मानी, किस्मत ने लिखी आंसुओं से तेरी कहानी। ओ महलों की रानी, क्या क्या न सितम तुझ पे हुए। संसार ने लूटा दुनिया में किसी ने भी तेरी कदर न जानी, किस्मत ने लिखी आंसुओं से तेरी कहानी। ओ महलों की रानी, क्या क्या न सितम तुझ पे हुए। महलों की रानी, किस्मत ने लिखी आंसुओं से तेरी कहानी। ओ महलों की रानी, क्या क्या न सितम तुझ पे हुए। बताइए महाराज, चांद हमें देखकर मुस्कुरा रहा है या हम चांद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? क्या बात है, ऐसा मालूम होता है जैसे चांद ने आपकी मुस्कुराहट छीन ली। नहीं तो सुंदरी, आप कुछ छुपा रहे। राज ज्योतिष ने कहा था कि कार्तिक पूर्णमासी के दिन हमारे यहाँ बेटा होगा, क्या उम्मीद थी और क्या हो गया।
मेरा बच्चा। क्या हो नाग देवता? कैसी माँ है? नन्नी सी जान को जंगल में छोड़कर चली गई। कहाँ है मेरा लाल? तुम्हारा बच्चा है बहन? हाँ बहन, मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा। तुम तो अंधी हो, फिर इस मासूम बच्चे को लेकर इस जंगल में क्या कर रही हो? जो बच्ची ने लिखा था वो कर रही है। तुम तो किसी अच्छे ढंग के मालूम होती हो। सामने मेरी झोपड़ी है, चलो बहन। मैं किसी को तकलीफ नहीं। बहन अपने लिए नहीं, इस मासूम बच्चे के लिए चलो। हाँ, चलो बहन। आओ बहन आओ। चमकी, अरे ओ चमकी, अरे कहाँ गई चमकी? आ गए हो? कल के गए हुए हाथ घुसे हो घर में? ये कौन है? अंधी है बेचारी, जंगल में भटक रही थी, इसे यहाँ ले आया। इसे यहाँ ले आया? ये धर्मशाला के यतीम खाना, जो इसे यहाँ उठा लाए। नाराज ना हो बहन, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो। अच्छा भैया, मैं जाती हूँ। ठहरो बहन। चमकी, कम से कम इस मासूम बच्चे का तो देखो जी, जो जी में आया करो, मगर कह देती हूँ घर का सारा काम करना पड़ेगा। जरूर करूंगी बहन, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। तू क्या करेगी? तू जंदी के तो 10 काम मुझे करने पड़ेंगे, बच्चा देख के रहम करती हूँ। चल अंदर। चलो बहन, चलो चलो बहन। तुम्हारा भला करे। Oh,
पर मजबूर है आंखें, हर मजबूर है आंखें, कहा करती है दुनिया मेरा नन्हा चांद जैसा है, मगर मैं फिर करा देखूं कि मेरा चांद कैसा है, कहा करती है दुनिया। जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सच कहा कलवा, तूने सच कहा, अपने पेट की ज्वाला भी हमेशा जलती रहेगी, अपना क्या होगा? क्यों क्या हुआ? क्या हुआ? अरे महाराज का पलट गया भेजा और अपना उलट गया तख्ता। तू पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्यों बताऊं? अरे कोई पूछे तो बताऊं। तो मैं पूछूं? पूछ पूछ पूछ। अपने दोनों का पेट का क्या होगा? अपना पेट का क्या होगा? बेटी का दिन भर से जो खीर पका रहा है वो क्या तेरा बाप खाएगा? उठा। अपना क्या होगा, पेट का क्या होगा, अपना क्या होगा? तेरी किस्मत कैसी तैसी, बाहर जूते और अंदर पत्ते। अरे हाँ करवा करवा, सुन सुन, आज मंदिर में महापूजा है, अरे अपनी पेट पूजा भी चलकर वही करेंगे। आज मंदिर में खाना खा लेंगे, लेकिन कल क्या होगा? कल क्या होगा? ठीक कहा। अरे यार आया, अरे जिंदा रहे अपना प्रताप सिंह लोहार, उसके घर में चलकर लोहा कूटेंगे और रोटियां तोड़ेंगे। माँ माँ, मेरे साथी कहते थे कि राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते थे। हाँ बेटा, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया मगर कभी झूठ नहीं बोले, इसीलिए तो लोग उन्हें आज तक याद करते हैं। माँ मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता, क्या मुझे भी ऐसे याद करेंगे? हाँ बेटा, सत्य में बड़ी शक्ति है। अच्छा माँ, मैं पाठशाला जाऊँ? जा बेटा। सुनो बेटा। माँ मुझे सब मालूम है, घर से सीधे पाठशाला जाना, कहीं रुकना नहीं, कहीं बोलना नहीं, किसी से लड़ना नहीं, और शाम को सीधे घर आना। बेटा तू बड़ा नटखट है। चल जा पाठशाला। शाबाश बेटा शाबाश। ये क्या है? कमान। और ये तीर। शाबाश है बेटा, तीर लगाओ। यूं निशाना बांधो और यूं छोड़। अरे ये तो मुझे भी आता है। तो लो बेटा, फिर तुम चलाओ, लो। शाबाश बेटा शाबाश। फिर से लो। ये लो ये लो ये लो। शाबाश बेटा,
शाबाश बेटा विक्रम, शाबाश, निशाना ठीक लगा है। एक बार फिर से शाबाश बेटा विक्रम, शाबाश, क्या निशाने पर तीर लगा। जग्गू, अब तुम्हारी बारी। जग्गू, एक बार फिर से। जग्गू, तुम बुद्धू के बुद्धू रहेंगे। मगर कल अर्जुन कौन बनेगा? वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। जो सबसे अच्छा निशाना लगाता है वही बनेगा विक्रम। वाह, विक्रम कैसे अर्जुन बनेगा? वो तो कर्ण बनेगा। कर्ण? मैं कर्ण क्यों बनूंगा? इसलिए कि कर्ण को भी अपने बाप का पता नहीं था और तुम्हें भी अपने बाप का पता नहीं था। क्या कहा तुमने? माँ, 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 बताओ मेरा बाप कौन है? बताओ माँ, मेरा बाप जिंदा है या मर चुका है? विक्रम, ये सब तू आज क्यों पूछ रहा है? माँ, मेरे साथी मुझ पर हंसते हैं, मुझे ताने देते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, तो जाओ, जाओ, सबसे कह दो कि तुम्हारे पिता जिंदा है। तो फिर बताओ कौन है वो? वो है महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन? तो तुम महारानी हो माँ, और इस तरह दर दर के ठोकरे खा रही हो? क्यों माँ, क्यों निकाल दिया था तुम्हें? क्या दोष था तुम्हारा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है बेटा। जब मुझे निकाला गया उस वक्त भी मुझे अपना दोष मालूम न था। बस इतना जानते हो कि तकदीर के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। मैं मिटाऊंगा माँ, मैं महाराज को इंसाफ करने पर मजबूर कर दूंगा। विक्रम, और अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो मेरी तलवार मेरी माँ का इंसाफ करेगी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें बाप से मुकाबला नहीं करने दूंगी। माँ, अगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए जरा भी जगह तो मेरा कहा मान जाओ। नहीं माँ, मैं अब नहीं रुक सकता। तुम्हें शोभा नहीं देता माँ, तुम्हें मेरी कसम माँ। विक्रम, मैं जानती थी ये दिन जरूर आएगा। अच्छा बेटा, मगर इतना ख्याल रखना कि राज राज ही रहे। ऐसा ही होगा। चुक चुक जीव मेरे लाए। सुनो नगरवासियों, सुनो, हुकुम राजा का, इनाम प्रजा का। महाराज अंगदेश्वर महाराज की बेटी राजकुमारी सुगनवती गायब हो गई है। जो उसे ढूंढ कर लाएगा उसी से राजकुमारी की शादी होगी और वही राज का मालिक बनेगा। गोविंदो, देखो, हाँ, की आराम से सो रहा है, हाँ? हे गोविंदो, ओ गोविंदो के बच्चे। मैं इधर हूँ महाराज। महाराज का बच्चा? साल भर से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, हाँ? रोज बक बक करता है, कोई पूछे तो बताऊं, कोई पूछे तो बताऊं। ले आज तुझसे महाराज प्रताप सिंह लोहार पूछता है। बता इस वक्त राजकुमारी सुगनवती कहाँ है? सुगनवती? हाँ हाँ, राजकुमारी सुगनवती। अबे राजकुमारी को तू क्या करेगा? क्या मेरे पास दिल नहीं? मैं उसके साथ शादी करूं। शादी? हाँ, और मैं बन जाऊंगा महाराज, तुम्हें बनाऊंगा महामंत्री। महामंत्री? हाँ, और मैं कौन हूंगा? तू? अरे कुछ छोटा मोटा। छोटा मोटा नहीं, बड़ा मोटा नहीं। तुझे मैं
तुझे मैं सेनापति बना दूंगा। सेनापति? खैर पहले मुझे तो महाराज बनने दे। माता जल्दी बन जा। महाराज मैं हूँ। अच्छा महाराज गोविंदू जी, अब ये बताओ कि हमारी सुगनावती इस वक्त कहाँ है? सुगनावती? हाँ सुगनावती। हाँ दूर, बहुत दूर। बहुत दूर कहाँ? सात समंदर पार। सात समंदर पार? हाँ बड़े बड़े पहाड़ों में, बड़े बड़े दरियाओं में, बड़े बड़े रेगिस्तानों में, बड़े 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 बड़े। लेकिन बड़े बड़े क्या? बड़े बड़े जंगलों में। बड़े बड़े जंगल? कहाँ वो बड़े बड़े जंगल? मेरे कपाल में देखो। बड़ी खतरनाक जगह है। लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा राजकुमारी सुगनवती के लिए। अरे होश के दवा कर, तू वहां कैसे जाएगा? मैं वहां कैसे जाऊंगा? ठहरो, हाँ। मुझे सोचने दो। सोचो सोचो। सोच लिया? क्या सोच लिया? अरे भाई क्या सोच लिया? अरे ऐसी तरकीब सोची है कि तुम लोग याद करो। अरे वो तरकीब हमें भी तो बताओ। घोड़ा 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 कहाँ घोड़ा? मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बनाऊंगा। अबे ओ लोहार के औलाद, तेरे दादा ने भी उड़ने वाला घोड़ा बनाया था? अरे मरते मरते दादा ही तो तरकीब समझा गए थे। तुम क्या जानो प्रताप सिंह लोहार की करामात? गोविंद तो महाराज, मैं एक ऐसा घोड़ा बनाऊंगा, ऐसा घोड़ा बनाऊंगा कि तमाम दुनिया वाह वाह कर उठे और कहे प्रताप सिंह लोहार वाह 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 वाह। प्रताप सिंह लोहार वाह 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 वाह। ये ऊपर। वाह 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 वाह। और ये चाबी नीचे आने के लिए। वाह 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 वाह। क्यों अब तो मान गए गोविंद महाराज? मान गया महाराज। मैं इस घोड़े को महाराज के दरबार में पेश करूंगा। लोहार प्रताप सिंह, हम इस घोड़े की करामात देखना चाहते हैं। अच्छा महाराज, देखिए महाराज, इस चाबी को घुमाने से घोड़ा आसमान की तरफ उड़ता है और इधर उधर घुमाने के लिए इस चाबी को घुमाना पड़ता है। और महाराज घोड़े को जब जमीन पर उतारना हो तो इस चाबी को यूं घुमाइए। तो फिर तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और उड़ा कर दिखाओ। नहीं नहीं मंदाता, ये काम मेरा नहीं, ये काम आप अपने किसी बहादुर के सुपुर्द कीजिए। मान सिंह, वीर सिंह, तो क्या हमारी प्रजा में ऐसा कोई भी वीर नहीं जिस घोड़े पर सवार हो सके? हमें बड़ा दुख हुआ यह देखकर कि हमारी प्रजा में वीर नहीं, कायर बसते हैं। कहां गए वो सूरमा जो हमारे एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा देते थे? महाराज, जब घोड़ा बनाने वाला ही नहीं उड़ा सकता तो हम कैसे उड़ा सकते हैं? तो फिर फेंक दो ये तलवारें और पहन लो चूड़ियां। तुम लोगों की जगह दरबारों में नहीं बल्कि जनान खानों में। बुज़दिल करेगी। ठहरिए महाराज, अगर आपके चंद दरबारियों में वीरता नहीं रही तो इसका यह मतलब नहीं कि बहादुर दुनिया से खत्म हो गए। बहादुर हैं और हमेशा रहेंगे। महाराज, वो कौन सी मुश्किल है जो हल नहीं हो सकती? वो कौन सा दरिया है जो पार नहीं किया जा सकता? वो कौन सा दुश्मन है जिसका सर नहीं झुकाया जा सकता?
जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये कहावत पुरानी हो चुकी है महाराज। आज दुनिया उसी की है जिसमें बिजली की चमक, शोले की लपक और बादल की गरज हो। शाबाश शाबाश। अलो अब अच्छी तरह समझ लो, घोड़े को उड़ाने के लिए इस चाबी को यूं घुमाओ। अच्छा है? और इधर उधर घुमाने के लिए इस चाबी को घुमाओ इधर उधर। हाँ, और जब इसको जमीन पर उतारना हो तो, अरे उतरने वाली चाबी के बारे में समझते जाओ। हाथ तेरे की, अब ये उतरेगा कैसे? अब क्या होगा? होगा तेरा सर। परेशान है महाराज, अगर कामयाब होगा तो इनाम पाएगा। नहीं नहीं, उसे कामयाब होना चाहिए, होना ही चाहिए। तुमने तो कमाल कर दिया गलवा, अपने मन की मुराद पूरी हो जाएगी। शाबाश नौजवान, तुम सचमुच बहादुर हो। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे विक्रम कहते हैं महाराज। महामंत्री जी? महाराज, हम विक्रम को आज सेनापति बनाते हैं। सेनापति विक्रम की जय। सेनापति विक्रम की जय। सेनापति विक्रम की जय। सेनापति विक्रम की जय। शाबाश प्रताप सिंह जी, आज आप ही की बदौलत मैं सेनापति बन गया। कहिए मैं आपको क्या इनाम दूं? इनाम मांगने मांगने मौका अच्छा है। मेरा इनाम उधार रहा, मौका आने पे मांग लूंगा। है? बस ये वादा। अच्छा मैं वादा करता हूं। मैं कहती हूँ पानी भरेगी कि बैठी बैठी आंसू बहाती रहेगी? अगर इतना ही प्यारा बेटा था तो चली जाती। कुछ नहीं बहन, ऐसे ही याद आ गई। मेरे घर में रोने धोने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन से बेटा गया चैन से दो रोटी खानी मुश्किल हो रही है। चल जाकर काम कर, कपड़े धोने हैं, गेहूँ पीसने हैं, लकड़ियाँ काटनी हैं, बर्तन मांजने हैं और महारानी का बैठनी आराम से। कभी महारानी महामंत्री, हमारा नया सेनापति कैसा काम कर रहा है? विक्रम ने तो कमाल कर दिया महाराज, थोड़े ही दिनों में सारा काम अपने हाथों में ले लिया है। राज का बच्चा बच्चा उससे खुश है। अब तो हमारे चुनाव विदा देते हो ना? हाँ महाराज, अभी तो बच्चा है विक्रम, आगे देखो बड़े बड़े सुरमाओं का सर झुका देगा। ठीक है महाराज। महामंत्री जी, इस वक्त कहां होगा विक्रम? हम उसे मिलना चाहते। ये सेनापति का बच्चा भी एक मुसीबत बनकर आया है। जब महारानी जैसी न टिक सकी तो ये क्या है? जब चाहूंगी दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दूंगी। विक्रम। महाराज, हम बहुत खुश हैं कि तुम अपना फर्ज बड़ी ईमानदारी से अदा कर रहे हो। फर्ज और ईमानदारी का तो चोली दामन का साथ है महाराज। हाँ, तुम जरूर किसी बड़े बाप के बेटे मालूम होते हो। बाप तो बड़ा ही है। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? कुछ आदमियों के नाम ऐसे होते हैं महाराज जिन्हें जबान पर लाते हुए शर्म आती है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बाप बहुत ही बुरा है। वो बुरा ही नहीं, जालिम भी है। ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया,
और वो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही। कहाँ रहता है वो? हर दम मेरी आंखों के सामने। मेरा मतलब है, ऐसे आदमी भुलाने पर भी आंखों के सामने आ ही जाते हैं। तुम उसे हमारे दरबार में पेश कर दो, हम उसे कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। वो वक्त आ रहा है महाराज, जब मेरा और उनका फैसला भरे दरबार में होगा। महाराज, आप चुप क्यों हो गए? हम ये सोच रहे हैं, वो एक बाप है जिसने तुम जैसे बेटे को ठुकरा दिया, और एक मैं बेटे के लिए तरस रहा हूं। अगर आज हमारा बेटा होता तो तुम्हारे बराबर का ही होता। महाराज, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। विक्रम। महाराज। विक्रम, कनकनी जी, महाराज कहाँ है? अभी अभी विक्रम के पास गए हैं। विक्रम के पास? हो कहाँ चले जी, कहाँ चले हो जी, प्यार में दीवाना करके मैं तो चले आ गई, बहाना करके मैं तो नीम तले आ गई, बहाना करके कहाँ चले जी, कहाँ चले हो जी, प्यार में दीवाना करके मैं तो नीम तले आ गई, बहाना करके मैं तो नीम तले आ गई, बहाना करके कहाँ चले जी। लोहे की दीवार बन गया है हमारे और महाराज के बीच में।
न जाने ये बला कब टलेगी। ये खुद नहीं टलेगी, इसे टालना पड़ेगा रानी जी। हर बात की हद होती है कंकनी। मैं आधी आधी रात तक महाराज की राह तक हूं और महाराज चांदनी रातों में विक्रम के साथ घूमते फिरे। सोच लीजिए रानी जी, अगर यही हालत रही तो एक दिन राजपाट विक्रम के हाथों चला जाएगा और हमें इस महल से थक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। रानी जी घबरा मत, देखती जा मैं इस कांटे को किस तरह निकाल फेंकती हूँ। तू जा और जो ही महाराज आए मुझे आकर खबर कर दे। मैं क्या करूं बोलो। आप कुछ मत कीजिए महाराज, आप का तमाशा देखिए। सुंदरी ऐसा मत कहो, तुम अभी ठीक हो जाओगी। पहले भी एक बार मुझे दर्द हुआ था तो मेरे भाई ने दवाई दी थी, तब मैं अच्छी हो गई थी। हम अभी तुम्हारे भाई के पास ही दवाई मंगवाते। कहाँ रहता है तुम्हारा भाई? कौन जाएगा इतनी दूर पुष्कल द्वीप में। पुष्कर द्वीप में? समंदर पार? वो तो बहुत दूर है सुंदरी। अगर मैं वहां किसी को भेजू तो भी उसे वापस लौटने में बरसों लग जाएंगे। अब हम क्या करें समझ में नहीं आता। आप चाहे तो दवाई आ सकती है महाराज। बोलो सुंदरी मैं क्या करूं बोलो। आप अपने सेनापति को भेजिए, उसके पास उड़ने वाला घोड़ा है, वो दवाई ला सकता है। कनकनी जाओ जल्दी से विक्रम को बुला के लाओ। जा रानी। हाय मुझे क्या हो गया? क्या हुक्म है महाराज? विक्रम विक्रम दर्द के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है, तुम जाकर जल्दी से मेरे भाई से दवाई ला दो। तुम्हें बहुत दूर जाना है इसलिए। विक्रम तुम वरुण उड़ने वाले घोड़े पे जाओ, दक्षिण की ओर पुष्कल द्वीप है। वहाँ काले पहाड़ के पास एक दरख्त है जहाँ से धुआं निकलता है, तुम मेरी चिट्ठी वहाँ डाल देना जी। उसके बाद मेरा भाई आकर तुम्हें मिलेगा और वो दवाई दे देगा, समझे? जी समझ गया, पर ये काम तो बहुत ही आसान है, मैं जाने को तैयार हूँ। विक्रम आप फिक्र ना करें महाराज, मैं शीघ्र ही आऊंगा। किनकिनी जी रानी जी आओ, भाई को चिट्ठी लिख दो। चलिए भैया विक्रम को पहुंचते ही खत्म कर देना, आपकी बहन सुंदरी। अब जरा जोर से हाथ मार, कलवा के बच्चे क्या खाना नहीं खाता है? ऐसे ऐसे करेगा सेवा तो खाएगा मेवा। गोविंदो 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 क्या हुआ? सुना है कि महाराज के किसी काम से विक्रम अभी अभी मेरा घोड़ा लेकर कहीं गया है। अगर गया है तो जाने दे, उसमें तेरे बाप का क्या? अरे ज्योतिषी की औलाद तू समझता क्यों नहीं? अगर विक्रम राजकुमारी सुगमावती को लेकर वापस आ गया तो न मैं महाराजा बनूंगा और ना तो महामंत्री। तो ठीक है, मुझे महामंत्री की पदवी नहीं चाहिए। चौकलवा भैया। हाँ, महामंत्री के बच्चे जल्दी देख मेरा घोड़ा। अरे भाई नाराज क्यों होता है, अभी देखता हूँ। जल्दी देख, जल्दी देखता हूँ। देख देख देख, अरे 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 तू बेमौत मारा गया लोहार के बच्चे। अरे वो राजकुमारी सुगनावती की तरफ जा रहा है। फिर मैं सेनापति कैसे बनूंगा? चुप रह, खुलने के बच्चे। मुझे सोचने दे,
सोचो सोचो सोच लिया। क्या क्या सोचा क्या सोचा? विक्रम राजकुमारी को उसके बाप के पास लेकर जाएगा। हाँ। हमें चाहिए कि हम उससे पहले ही वहां पहुंच जाएं। बावे लोहार के बच्चे, तू बहुत दूर की सोचता है। अरे क्यों चलवावे ना? चलो 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 चलो। मैं नहा लूं नहा लूं। अरे नहाने के बच्चे बाद में नहा लेना। चलो कपड़े धो। अरे बाबा कपड़े पहन लो। चल 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 चल। छोड़ दे, छोड़ दे। अब देखता हूँ तुझे मेरे हाथ से कौन बचाता है। ज़ालिम, मत कटाएगी। पापी, कमीने, मैं मर जाऊंगी मगर अपने आप को तेरे हवाले नहीं करूंगी। विद्यावती, फिर सोच लो, जो तुम्हें यहाँ उठा के ला सकता है वो क्या नहीं कर सकता। और ये भी याद रखो कि यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। मेरी पुकार मेरा भगवान सुनेगा। भगवान और जंगल में? मुझे ज्यादा मजबूर मत करो, वरना वरना क्या? वरना मैं तुम्हारी धज्जी उड़ा दूंगी। छोड़ दे मुझे, उड़ा दूंगी। छोड़ दे मुझे पापी, कमीने। कौन बचाएगा यहाँ तुम्हें? अरे कोई मुझे बचा। पापी, कमीने, छोड़ दे मुझे। नीच, कमीने, छोड़ दे मुझे। पापी, छोड़ दे मुझे। मैं बचाओ, अरे मैं बचाओ मुझे। छोड़ दे मुझे, तुम्हें सब कुछ नहीं देखा है। द्रौपदी की लाज बचाने वाले, क्या तुम मुशबला की लाज नहीं बचाओगे? अरे कोई बचाओ, भगवान के लिए छोड़ दे। जाले मेरे, छोड़ दे मुझे। अरे कोई है, कोई मुझे बचाओ। जाले छोड़ दे। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान? इसमें एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? मैं विद्रदेश का राजकुमार विक्रम हूँ। और तुम कौन हो? मैं दीपनगर की राजकुमारी विद्यावती हूँ। ये डॉक्टर मुझे यहाँ जबरदस्त लाया था। और अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँ। अबे क्या हुआ कन्ना? अब तो नहीं चला जाता, थक गया हूँ, थक गया हूँ, अब नहीं चला जाता। मैं तो अब लेटता हूँ भैया। अभी तो बहुत दूर जाना है, अगर तेरा यही हाल रहा तो पहुँच लिया मंजिल तक। मैं भी बन लिया महाराज और गोविंदो जी भी बन लिया महामंत्री। तो मुझे क्या सुनाते हो, मैं तो छोटा मोटा सेनापति बनने वाला था। मत बनाना। अच्छा लेटा हूँ, लेटा हूँ। ए गोविंदो जी, जरा मेरा हाथ तो देखना। हाँ। देख भाई, हाथ देखने का समय नहीं है, जरा मुझे भी आराम कर लेने दो। हाँ, ले, आराम कर ले बाबा। देख मेरा हाथ, देख मेरा घोड़ा इस वक्त कहाँ है। तेरा घोड़ा? तेरे हाथ में है। अरे ये तो एक सुंदर लड़की को लेकर जा रहा है, बस मैं इसे ही मांग लूंगा।
रहना लोहार का लोहार। अरे जरा गौर से देख, ये सुगनावती नहीं कोई दूसरी है। अरे हाँ, मुझे तो सिर्फ सुगनावती ही चाहिए। अरे यार, तुझे सुगनावती चाहिए तो मेरे लिए ये मांग लेना भैया। चुप रहना। अरे बाप रे, एक वक्त में दो लड़कियां नहीं मिलती हैं। अच्छा, गधा कहीं का। तू आराम कर, आराम कर। सो जा, सो जा। हे कलवा, गोविंदा, हे कलवा, कौन है? सुनो, बहुत समय हो गया। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। आए, चल, 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 आराम करने नहीं देगा। चल, 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 चल गया। बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरी बहुत मदद की है। वो जितने भी दिन वहां रहना चाहे उसे आराम से रखना और उसकी खूब खातिर करना। तुम्हारी बहन सुंदरी। क्यानी का वक्त हो रहा है। अरे हाँ, अरे हाय हाय, ओ ओ, हाय मर गई, हाय 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 हाय। अरे कोई है? अरे महाराज, सुंदरी, अब क्या हाल है सुंदरी? बहुत बुरी हालत है महाराज, अब मैं नहीं बचूंगी। कंकिनी, आज इन्होंने कुछ खाया? नहीं महाराज, इन्होंने तो सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया। चिंता न करो सुंदरी, विक्रम दवा लेकर अभी आता ही होगा। महाराज, महाराज, विक्रम बड़ा ही अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है महाराज। न जाने वो हमें बार बार क्यों याद आ जाता है। सुंदरी, घबराओ नहीं सुंदरी। अबे वो कलवा, अबे अबे ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पत्ते खा रहा हूँ, तेरी जान को रहा हूँ, मार दिया भूखा। अबे अबे वो लोहार के बच्चे, कुछ खाने पीने का प्रबंध कर, वरना इस गरीब की हत्या हो जाएगी। हे गोविंदो महाराज, अब इस घने जंगल में खाने के लिए कहाँ से लाऊं? देखो भैया, सबर का फल मीठा होता है, थोड़ी देर और सबर कर लो, मुझे एक बार मारने दो, मैं तुम दोनों को ऐश करा दूंगा। अबे अब चलना, चल चल चल। Thank you.
आओ भाई विक्रम आओ। हमारी बहन सुंदरी ने तुम्हारी बहुत तारीफ लिखी है। तुम हमारे मेहमान हो, जितने दिन चाहो आराम से रहो। इसे अपना ही घर समझो। इसे अपना ही घर समझकर आया हूं विक्रम। सफर से हरे थके आए हो, ये बताओ खाने कैसे पसंद करते हो? जो मिल जाए वही खा लेता हूं। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे देश के खाने खिलाता हूं। खाओ, खूब खाओ। अब वो क्या आएगा? मेरे भाई ने तो सिर्फ ठिकाने ही लगा दिया होगा। जवाब नहीं तुम्हारा। ऐसी तरकीब लड़ाई है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और महाराज समझ रहे हैं कि उनका सेनापति दवाई लेकर आता ही हो। कैसी दवाई और कैसा मर्द, खूब उल्लू बनाया महाराज। अरे आहिस्ता, कहीं महाराज ने सुन लिया तो? तुम्हें मालूम है मेरी बहन सुंदरी ने बहुत ही तकलीफें उठाई है महाराज के पास। अच्छा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं तो, मुझसे तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। बड़ी नेक है बिचारी। तुम्हें मालूम है महाराज की एक महारानी थी। हाँ सुना तो। उसे निकलवाने के लिए मेरी बहन ने क्या कुछ नहीं किया। आखिर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। महाराज ने उस महारानी को घर से बाहर निकाल दिया और उसको कत्ल करवा के उसकी आंखें निकाल दी। बड़ा ही अच्छा किया। और एक बार मैं अपनी बहन से मिलने गया, उसने वो आंखें मुझे दे दी। वो आंखें तुम्हारे पास हैं? हाँ, देखोगे? जरूर देखूंगा। यह है वो आंखें। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, अब तुम आराम करो। अच्छा। और सुनो, जहां जी चाहे घूमो फिरो, मगर इस सामने वाले कमरे में नहीं जाना। ये मेरा हुक्म है, समझे? अच्छा। मेरा विक्रम यहां होता तो मैं खुशी से फूली नहीं समाती। क्यों रे, आज बड़ी खुश नजर आती हो। हाँ बहन, आज मेरे बेटे की सालगिरह है। अगर मैं किसी का भी होती तो तुम्हारा मुंह मीठा कराती। तो क्या हुआ, मैं तेरा मुंह मीठा कराऊंगी, मैं लड्डू बांटूंगी। सच बहन? हाँ, भगवान तुम्हारी गोद भरे। मैंने लड्डू खा लिए, अब तू खा ले। लो भगवान, यह प्रसाद स्वीकार कर लो। ये क्या पत्थर? तुम्हारा बड़ा उपकार है, तुमने मेरा मुंह मिटा कर। भगवान तुम्हें सुखी रखे। श, श,
कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? डरो नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। भाग जाऊं? मगर तुम कौन हो? मैं अंग देश की राजकुमारी सुगंधवंती। वो नीच मुझे जबरदस्ती पकड़ लाया। चलो हम लोग यहाँ से भाग चले। उससे मारे बगैर यहाँ से भागना भी मुश्किल है। मैं उसे जान से मार डालूंगा। कैसे मार डालोगे? उसकी मौत में बहुत बड़ा राज है जो सिर्फ उसे ही मालूम है। अगर तुम हिम्मत करो तो हमारी मुश्किल हो सकती है। वो कैसे? बहार की तेरे मेरे प्यार की रात ये बहार की तेरे मेरे प्यार की आँख जब मिलाई है तो दिल से दिल मिला रात ये बहार की तेरे मेरे प्यार की आँख जब मिलाई है तो दिल से दिल मिला है रात ये बहार की जिंदगी में रंग है हर अदा उमंग है जिंदगी में रंग है हर अदा उमंग है आप जब मिलाई है तो दिल से दिल मिला रात ये बहार मेरे प्यार आप जब मिलाई है तो दिल से दिल मिला है रात ये बहार की दे
दो घड़ी को झूम ले, आत्मा को चूम ले, दो घड़ी को झूम ले, आत्मा को चूम ले, आँख जब मिलाई है तो दिल से दिल मिला, रात ये बहार तेरे मेरे प्यारे, आँख जब मिलाई है तो दिल से दिल मिला, ओए रात ये बहार थी। आज तुम बहुत खुश हो, मालूम होता है तुमने हमारी बात मान ली। तुम्हारी बात पहले ही मान लेती, मगर एक बात का डर है। डर? मेरे होते हुए डर? अगर मैं तुमसे शादी कर लेती और तुम्हारी जान को कुछ हो जाता तो मैं इस भयानक जंगल में खुद कर जान दे देती। अरे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मेरी मौत आसान नहीं, एक खास जगह पर है। खास जगह पर? हाँ। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? तू तो मेरी जान है, फिर अपनी जान का राज तुझसे क्या छुपाऊं? लो बताता हूँ, वो जो बाहर चश्मा है उसके दाई तरफ एक गार है, और ऊंची जगह पर जहां कोई जा नहीं सकता वहां दो कीड़े हैं। कीड़े? हाँ, बड़े में मेरी जान है और छोटे में मेरी बहन सुंदरी की। जब तक कोई उन कीड़ों को न मारे हम नहीं मर सकते। वाकई तुम्हें कोई नहीं मार सकता? मगर देखो ये राज किसी को नहीं बताना। मैं किसे बताऊंगी, यहाँ कौन आएगा? Thank you.
रानी जी, क्या हुआ? कनकनी, कनकनी, आज तो मेरे दिल में सच में दर्द हो रहा है। क्या कह रहे हैं हम? क्या हो गया? कहीं तूने मुझे धोखा दिया है, मक्कार, तूने मेरा राज किसी को बता दिया है। भला मैं कैसे बताऊंगी? मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा, मैं मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। बच्चा, विक्रम, ये देख नीच, तेरी जान मेरे हाथ में है। कौन तुम? कभी नहीं भूलूंगी। एहसान तो तुमने किया है, अगर तुम वक्त पर उस डिबिया को खोलकर कीड़े को ना मारती तो ये शैतान मुझको मार ही डालता। ऐसा ना कहो। सुगनवती, इधर ही आ रहा है, यही है राजकुमारी सुगनावती। अब मैं विक्रम से राजकुमारी को मांग लूंगा। महामंत्री गोविंदो, अपने होने वाले महाराज प्रताप सिंह गोहार की शादी की तैयारी करो। अरे महाराज के बच्चे सुन दो, अब मैं शादी के बाद ही सुनूंगा। शादी के बाद ही सुनूंगा? अच्छा बच्चा, हम भी ज्योतिषी हैं। अरे शादी तेरी तो क्या तेरे बाप की नहीं हो सकती? ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे कोई पूछे तो बताऊं। कोई पूछे तो बताए? हाँ कोई पूछे तो बताऊं। पूछे तो बताऊं? हाँ कोई पूछे तो बताऊं। क्या बताऊं? बताऊं। पूछे तो? पूछे तो बताऊं। बताऊं बताऊं सब बताऊं। हेलो, जल्दी आना विक्रम। हाँ हाँ अभी आया। विक्रम। ओ प्रताप सिंह जी, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा था, आज मन की मुराद पूरी हुई है। मन की मुराद? हाँ हाँ, याद है अपना वो वचन? कौन सा वचन? अच्छा, भरे दरबार में दिया वो वचन भी भूल गए? हाँ हाँ वो वचन मुझे याद है प्रताप सिंह जी। तो पूरा करो। बोलिए क्या चाहिए आपको? जबान से फिरोगे तो नहीं? ये मर्द की जबान है। तो बस राजकुमारी सुगनवती को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे हवाले कर दूं? हाँ, मैं उससे शादी करके अंग देश का राजा बनूं। मगर प्रताप सिंह जी, सुगनवती से मेरी शादी हो चुकी है, वो मेरी पत्नी है। पत्नी है? हाँ। धोखेबाज, बेईमान, तूने सुगनवती से शादी भी कर ली, मेरी सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया, अब मेरा क्या होगा? प्रताप सिंह जी, विक्रम,
सुगनवती को मुझे देना होगा, वरना मैं उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। प्रताप सिंह जी, जाओ मेरे रास्ते से। प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह, खबरदार तू आगे बढ़े। हो सकेगा बदतमीज, मेरा ही खाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। चल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो बहन। चल मेरे घर से। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कहती हूँ चली जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कहती हूँ चली जाए यहाँ से। भगवान के लिए मुझे ना निकाल। चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाओ बहन? भगवान चली जाओ यहाँ से। Thank you.
भगवान मेरे विक्रम को जल्दी अच्छा कर दो। कलवा कलवा ओ कलवा के बच्चे जाकर देख प्रताप अभी तक क्यों नहीं आया। ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे कोई पूछे तो बताऊं। अच्छा फिर बता देना। भगवान मुझे कहां फंसा दिया, एक शेर दूसरा सवा शेर। अच्छा भाई तू आराम कर, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, तू उधर देख मैं इधर देखता हूँ। गोविंद गोविंद गोविंद, ये दोनों मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? गोविंद 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 कौन है ये? कोई भिकारन मालूम होती है? अगर महामंत्री दान पुण्य करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सीधी अंदर घुसी चली जाओ। मुझे दान नहीं चाहिए भैया, दान नहीं चाहिए। ना मालूम इसे किसने यहाँ तक आने दिया। जा जा बाहर जा। नहीं नहीं भैया, मुझे महामंत्री जी से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। हद हो गई, लूले लंगड़े जिसे देखो सीधा अंदर घुसाता है। कौन है राम सिंह जी? एक अंधी आपसे मिलना चाहते और तुम उसे रोक रहे हो। अगर महाराज के दरवाजे गरीबों की पुकार सुनने के लिए बंद हो चुके हैं तो कम से कम ये दरवाजा तो खुला रहने दो। खबरदार जो अब किसी को रोका उसे हमारे सामने लाओ। जो आ गया, चलो जाओ अंदर। तुम महामंत्री के सामने खड़ी हो, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? महामंत्री जी। कौन? महारानी जी आप? रुकिया है आपका, मैं तो आपको पहचान भी नहीं सका। महारानी जी मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। नहीं नहीं मुझे क्षमा कर, ऐसी बातें मत कीजिए। अब बुराई समझ कर तो मैं यहाँ आई हूँ। तो फिर महारानी जी कहिए मुझ दास को क्या करना होगा आपके लिए? आप हुक्म दीजिए मुझे महारानी जी, कहिए महारानी जी। वो जिंदा है, वो जिंदा है। कौन जिंदा है? वही महारानी। महारानी? हाँ मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो महामंत्री के घर में है। महामंत्री के घर में? तो इसका ये मतलब है कि जल्लादों ने हमें धोखा दिया, उसे मारा नहीं है बल्कि उसकी आंखें निकालकर हमारे सामने ले आए। हो सकता है। हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? अच्छा तुम और महामंत्री को महाराज के पास भेज दो। महाराज। सुंदरी आप तो सिर्फ नाम के महाराज रह गए हैं। क्या हुआ सुंदरी, बताओ क्या बात है? आपके राज में इंसाफ के गले पर छुरी चलाई जा रही है, आपके बनाए हुए कानून को तोड़ा जा रहा है। अब तो बात यहाँ तक आ पहुंची है कि आपके हुक्म को ठुकराया जा रहा है और आप खामोश हैं। हमारी हुकूमत में ऐसा कभी नहीं हो सकता सुंदरी, बताओ किसने की है ये हिम्मत? कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका नाम सुन के कांप उठे, आपका कानून लड़खड़ा जाए और आप एक कुलचन में पड़ जाए। सुंदरी अगर वो तुम हो तो तुम्हारे साथ भी वही बर्ताव करेंगे जो मुजरिम के साथ होना चाहिए। हमारा कानून पत्थर की लकीर है, बताओ किसने की? महामंत्री ने। महामंत्री ने? हाँ महाराज, इसीलिए हाजिर हुआ। नहीं महाराज, महामंत्री खुद नहीं आए, ये बुलवाए गए हैं। बुलवाए गए हैं? ठीक है, खुद यहां कैसे आते? महामंत्री तुमने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, आज तुमने हमारी गर्दन झुका दी। महाराज क्या किया है मैंने? सुंदरी कहती है तुमने गद्दारी की है। रानी जी कहती है इसलिए आप कह रहे हैं। महाराज इसे गद्दारी कहिए या वफादारी, मैंने एक बेसहारे को सहारा दिया है,
मैंने दरवाजे पर मेहमान को आश्रय दिया। कौन है वो? महारानी। महारानी? महारानी अभी तक जिंदा है? वो निर्दोष महारानी जिसे धक्के देकर आपने इस महल से निकलवा दिया था, जिसे आपने मौत के मुंह में धकेल दिया था। महाराज, मैं इंसाफ की भीख मांगने आपके पास आया हूँ। देखा महाराज कैसा रंग चढ़ाया है। महामंत्री, साफ क्यों नहीं कहते कि आज तुम्हारी साजिश की वजह से महारानी जिंदा है? तुमने महाराज की बेइज्जती की है, तुमने महाराज के हुक्म को ठुकराया है। महाराज, कहिए अब आपका कानून क्या कहता है। सुंदरी। क्यों महाराज? महारानी और महामंत्री जब कानून के शिकंजे में जकड़े गए तो अब आप बचाव का घर सोचने लगे। महाराज, कानून सबके लिए एक है, चाहे वो राजा हो या प्रजा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो अपना हो या पराया। कहिए महाराज, अब आपका कानून क्या कहता है? महामंत्री, तुमने गद्दारी की है, आज तुमने हमसे गद्दारी की है। महाराज, महाराज गिरफ्तार करो महामंत्री को, अगर सारी प्रजा के सामने फांसी पर लटका दो। महाराज, ध्यान रहे कि महारानी को महामंत्री और सारी प्रजा के सामने पहले फांसी पर लटका दिया जाए। महाराज, महाराज आपका हुक्म मेरे सराखों पर, मगर महारानी निर्दोष है, उनके साथ इंसाफ किया जाए। महाराज, 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 महाराज। अगर आप वक्त पर ना आते तो न जाने इनका क्या हाल होता। ये अच्छे तो हो जाएंगे। घबराओ नहीं बेटी, जल्द ही आराम हो जाएगा। क्यों महारानी जी, अब क्या हाल है? कौन? सुंदरी बहन, मुझे मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगे। हाँ, मुझे आना पड़ा, तेरे लिए नहीं, तेरे चक्रवर्ती बेटे के लिए। बताओ वो सांस जिंदा है या मर गया? खबरदार, अगर मेरे बेटे को कुछ कह दो, तुम्हें जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। तुझसे कहूँ? तू है क्या मेरे सामने? तुझे तो चूटी की तरह एक पल नहीं चल सकती, मगर मुझे टक्कर लेनी है तेरे बेटे से। बताओ वो कहाँ है? नहीं, ये मैं कभी नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी, तुझे बताना होगा। सुंदरी, तू क्या जाने माँ की ममता को, मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगी, मगर अपने बेटे के बारे में तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी। सुंदरी, तूने मुझे महाराज की नजरों से गिरा दिया, यहां तक कि मेरी जान लेने के लिए मुझे महलों से निकलवा दिया, मगर भगवान की तरह से मैं बच गई। और अब तू मेरे बेटे की जान लेना चाहती, मेरी कोख पर लात मारना चाहती, मगर ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? महले, जिधर के महले, अगर आज मेरी जान भी चली जाएगी फिर भी मैं अपने बेटे के बारे में नहीं बताऊंगी। अच्छा, अन्ना बता। कैसी तबीयत है राजकुमार? अब तो बहुत ठीक है स्वामी जी, क्या मिले, मानो भगवान मिल गए। हाँ, उन्हीं की कृपा से आपको नई जिंदगी मिली है। तुम ठीक कहती हो सुगनवती। शाही फरमान के मुताबिक पहले महारानी को फांसी के तख्ते पे ले जाया जाए। क्या ये शाही हुक्म है? ये हुक्म छोटी रानी ने दिया है। छोटी रानी? छोटी रानी के हाथ में महाराज है, हुकूमत नहीं है। ये हुक्म हाकिम को देना होगा, महाराज को ये हुक्म देना पड़ेगा। हमारा हुक्म महाराज का हुक्म है महामंत्री। रानी जी, आप महाराज के दिल पर राज कर सकती हैं,
महाराज आपका हुक्म मान सकते हैं मगर यहाँ आपका हुक्म नहीं। महामंत्री, अब ज्यादा जहर फैलाने की कोशिश न करो। जिसके सर पर मौत मंडला रही हो वो क्या जहर फैलाएगा? जहर तो आपने फैलाया है छोटी रानी। महाराज पर आपने जादू कर दिया है। महाराज कठपुतली की तरह आपके इशारों पर नाच रहे हैं। आज आपकी बदौलत महारानी की यह हालत हुई है। जब हमारी कश्ती तूफानों के थपेड़ों से बचकर किनारे पर आकर डूब रही है और किनारे पर सब खड़े तमाशा देख रहे हैं, कोई भी हमारी पुकार नहीं सुनता, तो भी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए महामंत्री। कैसे चुप रहूं महारानी, कैसे चुप रहूं? कश्ती के केवल हार को बोलना ही पड़ेगा। महाराज आपको यह हुक्म ही पड़ेगा। हुक्म दीजिए महाराज, हुक्म दीजिए महाराज, हुक्म दीजिए महाराज। महाराज तो क्या महाराज यहां मौजूद है? यही तो दुख है, वो मौजूद है और खामोश है। महाराज को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती। महाराज आप अभी तक खामोश हैं। आप क्यों खामोश हैं महाराज? तो फिर हुक्म दीजिए कि इस झुकी हुई गर्दन को काट दिया जाए। महाराज अब आप इतने बुजदिल हो गए कि आप हुक्म भी नहीं दे सकते। सुंदरी हुक्म दीजिए महाराज, हुक्म दीजिए, हुक्म दीजिए महाराज, महाराज हुक्म दीजिए। महाराज आखिर आपने फैसला कर ही दिया। दुनिया का यही दस्तूर है कि चढ़ते सूरज को सब पूजते हैं मगर ढलते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। मगर महाराज ये सूरज कभी नहीं डूब सकता, डूबने के बाद भी इसकी रोशनी मर रही। राम सिंह अपना काम शुरू करो। सुगनवती अब हमें जल्दी ही राजधानी पहुंचना चाहिए। हाँ राजकुमार, लेकिन हमें विद्यावती को भी तो साथ लेना है। उसकी फिक्र आप न करें, विद्यावती को मैंने बुलवाया है, वो आती होगी। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। जय जय राजकुमार विक्रम की जय। आप लोग कौन हैं? सरकार मैं राजज्योति और ये मेरा शिष्य है, हमें भी राजधानी चलना है। दया करके हमें भी अपने साथ उस उड़ने वाले घोड़े पर ले चलिए। अच्छा तो चलो। अच्छा जी महारानी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। बेकार वक्त जाया करने से क्या फायदा महाराज? नहीं नहीं सुंदरी, ये तो पूछना ही पड़ेगा। राम सिंह महाराज महारानी जी की आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हैं। बस यही आखिरी बार महाराज छूना चाहती हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। ये मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरा हक है। रहने दो महारानी, अब तो ये ढोंग रहने दो। अगर तुम अपने हक को समझती तो आज तुम्हारी ये नौबत ना आती। महाराज ने तुम्हें हीरा समझा मगर तुम पत्थर निकली। महाराज ने तुम्हें सती समझा मगर तुम कुल्टा निकली। सुंदरी तुमने मेरे पति व धर्म पे भी छींटे उड़ा दी। बस एक यही कसर बाकी रह गई थी, सो वो भी तुमने पूरी कर दी। महाराज आपके होते हुए सब मैं क्या सुन रही हूं? ये जमीन फट क्यों नहीं जाती? ये आसमान टूट क्यों नहीं पड़ता? महारानी ये महारानी का ही कलेजा था,
जो तुम पर तन मन धन सब कुछ निछावर करके तुम्हें महलों की रानी बना दिया था, मगर तुम जिस दाली पर बैठे तुमने उसी दाली को काटा, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। महाराज वक्त गुजरा जा रहा है, जल्दी कीजिए महाराज, वक्त गुजरा जा रहा है। मैं वक्त को रोक दूंगी। महाराज आप मेरे पति हैं, अब मेरी नहीं आपकी लाज का सवाल है। मेरा हक मुझे दीजिए, अपने चरणों की ताशी को चरण छूने दीजिए। महारानी। महाराज सुंदरी ने आज तक कभी जिद नहीं की, मगर आज ये मेरी जिद है। अगर तुम्हारी ये जिद है तो मेरी भी ये परीक्षा है। भगवान अगर मैं पतिव्रता हूं, मैंने सच्चे मन से अपने पति की पूजा की है, तो आज मेरी लाज रख, मुझे महाराज के चरणों तक पहुंचा दो, मुझे महाराज के चरणों तक पहुंचा दो। अगर मैं वहां तक सकती तो उन चरणों को मेरे पास पहुंचा दो। महारानी तो उन चरणों को मेरे पास भेज दो, मेरे पास भेज दो भगवान, भगवान मुझे महाराज के चरणों तक पहुंचा दो, मुझे महाराज के चरणों तक पहुंचा दो। महारानी पहुंचा दो। विद्यावती सुगनवती अब चलो जल्दी से राजधानी पहुंच चले। चलो आज्ञा का पालन किया जाए। बेटा मैं तुम्हारी आंखें ले आया हूँ माँ, मेरी आंखें, और अब ये तमाशा तुम अपनी आंखों से देखोगी। अब क्या होगा सुंदरी, चलो भाग चले यहाँ से। नहीं कनकनी, तू देखती जा क्या होता है। महाराज महाराज बेटा अपने पिता के चरण छुओ और आशीर्वाद लो। माँ जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। महाराज मैंने कहा था कि मेरा और मेरे बाप का फैसला भरे दरबार में होगा। महाराज आप मेरे पिता हैं, अब फैसला कीजिए, अब इंसाफ कीजिए। माँ नहीं आती अपने पिता जबान चलाते हुए, क्या ये सब दिखाने के लिए तूने मुझे आंखें दी थी? तुझे मेरी आंखें फोड़नी होगी, मुझे नहीं चाहिए आंखें। माँ क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था? निर्लज बाप का मुकाबला करने से पहले तुझे मुझसे टक्कर लेनी होगी। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ, मगर अपने सुहाग के लिए अपने पति के लिए तेरे जैसे हजार बेटे कुर्बान कर सकती हूँ। अगर तू मेरा बेटा है, तूने मेरी बॉक्स से जन्म लिया है, तो अपने पिता के चरणों में सर रख दे, मैं कहती हूँ रख दे, वरना इसी तलवार से मैं अपना सर काट दूँ। माँ माँ जैसे तुम खुश हो माँ। विक्रम
पिताजी, पिताजी, बेटा, विक्रम, पिताजी, मेरे लाल, पिताजी, मेरे लाल, बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, क्या हो गया था हमें? आप पर जादू कर दिया गया था पिताजी, और अब देखिए जादू कैसे सर पर चढ़कर बोलता है। विक्रम, हमारे करीब आओ, आओ। मैं तुम्हारी दवा ले आया। ये देखो माँ, मैं तुम्हारी दवा ले आया हूँ। देखो। विक्रम, विक्रम, share and subscribe to TV Next Bollywood.